वो आपको बता दें तो बड़ी खबर चौधरी वीरेंद्र सिंह से जुड़ी आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच आज बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात वीरेंद्र सिंह को मनाने की कोशिश भी की गई है। बीजेपी नेताओं ने वीरेंद्र सिंह को मनाने की कोशिश यहां पर की है। तो जींद में मेरी आवाज सुनो रैली का आयोजन हो रहा है और गैर राजनीतिक बताई जा रही है रैली, जिसका जिक्र चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले भी कर चुके हैं। तो बड़ी खबर चौधरी वीरेंद्र सिंह से जुड़ी आ रही है, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी और अहम जानकारी। इस बीच कि आज बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चौधरी वीरेंद्र सिंह से जुड़ी आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चौधरी वीरेंद्र सिंह से जुड़ी, बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर। तो आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और जिनसे परमजीत पवार संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, क्या कुछ जानकारी जो है परमजीत मिल पा रही है चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर, सूत्रों के हवाले से जो अभी खबरें आ रही हैं, जो हलचल यहां पर तेज हो रही है, मेरी आवाज सुनो आज रैली भी होने जा रही है, खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। देखिए चीन के एक लगे चीन में कार्यक्रम होता है, तो इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, रैली का नाम दिया गया है मेरी आवाज सुनो। और आज जो है क्योंकि माने तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो जो है बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि मैं फिलहाल जहाँ पे ये कार्यक्रम वहाँ पे मौजूद हूँ, तो तस्वीरें आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे स्टेज लगाई गई है और किसी भी नेता का कोई फोटो नहीं लगाया गया है। बात करें जो बीजेपी के बड़े नेता थे, या बीजेपी का कोई झंडा यहाँ नहीं लगाया गया है, किसी भी पार्टी का कोई झंडा और ना कोई किसी नेता का फोटो लगाया गया है। हालांकि जो सांसद भी है विजेंद्र सिंह के पुत्र यहाँ से लोकसभा सांसद है, तो वो बीजेपी से बने थे, लेकिन आज जो है अलविदा कह सकते हैं बीजेपी को, या सुबह भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये तो देखने वाली बात हो गई। हमारे साथ साहब रैली क्या को कैसे देखते हैं, क्या मायने रैली रखी गई आज? पॉलिटिकल आदमी है, मोदी साहब को अलग बात है, उनका एक ही फायदा है समाज के अंदर किसानों का काम करने वालों और शोषित लोग हैं, ये भी वही पड़े कई फायदा है उनके उनका है बेरोजगारी गरीबी। ये बस आपकी बात करें तो रेस्ट हाउस में वीरेंद्र सिंह को मनाने के लिए सांसद में दुग्गल भी आते होती थी, सांसद सुनीता दुग्गल। अच्छा तो क्या मानते हैं कि आज बीजेपी को अलविदा के या तो कांग्रेस में शामिल हो गए वीरेंद्र सिंह? कोई कोई या नहीं से कहा गया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यक्ति थी कि नए पॉलिटी का आवाज भी आज हो सकता है, नई पार्टी बना सकती है या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकती है। बार बार ये कह रहा कि ये राजनीतिक कितने रुपए में लेके रैली रखी गई आप बताइए, सवाल रूप में हिंदुस्तान को आजाद हो सकते हो मेरा आग्रह वही है, बेरोजगारी है, इसके लिए देशों में जा रहे लोग पीछे नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ विशेषक आएंगे हर समाज के। कौन कौन से नेता आज इस रैली में शामिल होंगे, बड़े नेता की बात? कोई नेता नहीं आ रही यहाँ, परमजीत इनसे पूछिए, परमजीत इनसे पूछिए कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह को भी न्योता दिया गया है? भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह और भीम आर्मी आजाद के लिए कोई
बिल्कुल मंत्री देखिए इंद्र साहब को ये कहना है कोई भी किसान नेता बड़ा नेता यहाँ पे ट्राई की। हालांकि देखिए पूरे करे तो एक महीने से एक कार्यक्रम रखा गया था चौधरी वीरेंद्र सिंह परमजीत नजर बनाए रखिए। ये बड़ी रैली आज होने जा रही है, इस पर भी जनता टीवी की नजर लगातार बनी रहेगी।